हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस. आई एम प्रियंका. हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में, जिसमें हम ऑलरेडी जो है मर्केंटलिस्ट थॉट कवर कर चुके हैं. आज जो हम कर रहे हैं वो फिजियोक्रेसी कर रहे हैं. मर्केंटलिस्ट थॉट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जो इकोनॉमिक थॉट है वो अराउंड 300 ईयर्स तक चला था. लेकिन अगर हम बात करें फिजियोक्रेसी की, तो फिजियोक्रेसी का टाइम ज्यादा नहीं था, अप्रोक्स 30 ईयर्स टू 40 ईयर्स या 20 टू 30 ईयर्स आप कह सकते हैं कि फिजियोक्रेसी जो है वो चला था. लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था हमारी इकोनॉमी में, और स्पेशली जो है इसका इम्पैक्ट वो फ्रांस में ही था. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ये है हमारे क्विज़नी, और ये जो मैंने एग्रीकल्चर ये फील्ड की जो फोटो गिवन है वो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ये गिवन क्यों की है, क्यों दी है ये फोटो यहाँ पे, तो समझते हैं इस चीज को. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फिजियोक्रेसी में समझेंगे मीनिंग ऑफ फिजियोक्रेसी, फिजियोक्रेसी का मतलब क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिजियोक्रेसी जैसा थॉट जो है वो डेवलप हुआ. थर्ड, हमारा क्रिटिकल एस्टिमेट. ऐसा तो नहीं है कि कोई भी थ्योरी आती है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, क्रिटिसाइज तो किया ही जाता है. सो सबसे पहले मीनिंग ऑफ फिजियोक्रेसी. फिजियोक्रेसी का मतलब क्या है? फिजियोक्रेसी जो है वो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं है. फिजियोक्रेसी जो है वो एक कलेक्टिव नेम है. एक कलेक्टिव नेम है किनका? उन प्रिंसिपल्स का, उन पॉलिसीज का जो पर्टिकुलरली डेवलप हुई है फ्रांस में, एंड इट डेवलप्ड इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के मिडल में फिजियोक्रेसी जो है वो स्टार्ट हो गया था. फिजियोक्रेसी का अगर हम बात करें तो फिजियोक्रेसी को बोला जाता है एग्रीकल्चर सिस्टम भी बोला जाता है. एग्रीकल्चर सिस्टम भी इसे कहा जाता है, प्लस इसे रूल ऑफ नेचर भी कहा जाता है. रूल ऑफ नेचर भी इस सिस्टम को कहा जाता है. अगर हम इसको बात करें कि फिजियोक्रेसी जैसी चीज क्यों आई, तो स्पेशली इस चीज को डिफाइन किया गया एज अ रिएक्शन अगेंस्ट मर्केंटाइल सिस्टम. मर्केंटाइल सिस्टम के अगेंस्ट, मर्केंटाइल सिस्टम में सिर्फ ट्रेड की बात होती थी, बुलियंस की बात होती थी, कि जिस भी स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट की बात होती थी. सो लेकिन उस चीज को अपोज किया, मींस यहाँ पे ट्रेड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज में. लेकिन फिजियोक्रेसी में बात आई हमारे एग्रीकल्चर की भी, कि एग्रीकल्चर को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए. अगर हम बात करें यहाँ के मेन थिंकर्स की, तो मेन थिंकर्स कौन कौन से थे फिजियोक्रेसी के, तो नाम आता है क्विज़नी का, जिसमें उन्होंने क्विज़नी टेबल दी थी, प्लस आता है टर्गोट. इन दोनों का नाम आता है हमारी फिजियोक्रेसी में. अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिजियोक्रेसी जैसी पॉलिसी जो है या इकोनॉमिक थॉट जो है वो डेवलप हुआ. फर्स्ट अगर हम बात करें पहले फैक्टर की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन 1715 फ्रांस ने एक खुद ही एक फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड कर दिया था, जिससे फिजियोक्रेटिक आइडियाज जो है वो डेवलप हुए. तो सबसे पहले ये जो है एक रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट, फ्रेंच का एक रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट, मर्केंटाइल सिस्टम के अगेंस्ट. क्योंकि अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में ये मर्केंटलिस्ट सिस्टम बेसिकली वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे कॉलबर्ट, उनके अंडर चला था. और कॉलबर्ट ने इसे काफी रिलीजियसली इस चीज को फॉलो किया था, एक एक्सट्रीम डिग्री पे हम कह सकते हैं इस चीज को फॉलो किया. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंप्लीटली इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया किसको, एग्रीकल्चर सिस्टम को. एग्रीकल्चर सिस्टम को इन्होंने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया किस पॉलिसी ने, फिजियोक्रेसी पॉलिसी में. सो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो दिस नीड टू प्रूव दैट मर्केंटाइल पॉलिसीज दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इस चीज को इन्होंने प्रूव करना था कि ये जो मर्केंटाइल पॉलिसीज आई है वो नेशन के वेल्थ के फेवर में नहीं है. अगर हम बात करें ट्रेड की, और इन्होंने एक फेवरेबल ट्रेड की बात की थी किसने, मर्केंटाइल सिस्टम में. मर्केंटाइल सिस्टम में उन्होंने बोला कि आप जो है वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते रहें और आपका इम्पोर्ट कम से कम हो, ताकि आपका जो पैसा है वो आता रहे, जाए कम से कम. लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर हर कंट्री ही ऐसा करेगी तो उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जरूर आ जाएगी, और उस इकोनॉमी के वेल्थ की बात हम कैसे कर पाएंगे ऐसी पॉलिसी में. सो इस चीज को बोला गया फिजियोक्रेट्स ने, फिजियोक्रेसी
पॉलिसी या फिजियोक्रेसी इकोनॉमिक थॉट। सेकंड अगर हम बात करें टैक्स सिस्टम जो था फ्रांस का वो काफी करप्ट और इनअफिशियंट टैक्स सिस्टम था, करप्ट एंड इनअफिशियंट टैक्स सिस्टम था कहाँ का, फ्रांस का। ठीक है, वहां पे तीन एस्टेट्स में डिवाइडेड था, फर्स्ट इज नोबिलिटी, सेकंड क्लर्जी एंड थर्ड पीजेंट्स। ये सबसे पहले हम क्लर्जी कह सकते हैं, फिर नोबिलिटी, फिर पीजेंट्स। नोबिलिटी और क्लर्जी की बात करें तो इनके पास अप्रोक्स 2/3 ऑफ लैंड था और ये परसेंटेज में भी कम ही थे। पीजेंट्स की परसेंटेज सबसे ज्यादा थी, अप्रोक्स 90%, और ये दोनों मिला के 10% थे। और फिर भी क्लर्जी और नोबिलिटी एग्जम्प्टेड थे, किससे, टैक्स सिस्टम से। इनको प्रिविलेज मिलता था लेकिन पीजेंट्स को ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं मिलता था। तो सारा का बर्डन का, सारा टैक्स का जितना भी बर्डन था वो किस पे आ गया, सिर्फ पीजेंट क्लास पे आ गया। तो टैक्स सिस्टम जो था वो कहां से आपको लगता है कि एफिशिएंट सिस्टम था, जब वो सबसे बराबर अगर टैक्स ले तो बात भी हो, लेकिन सबसे वो बराबर टैक्स तो लेते नहीं थे, सिर्फ किससे लेते थे, पीजेंट क्लास से लेते थे। सो ये भी एक रीजन था फिजियोक्रेसी फैक्टर्स डेवलप होने का। थर्ड, जो फाइनेंस था फ्रांस गवर्नमेंट का वो काफी बैड कंडीशन में था, और बैड कंडीशन का रीजन क्या है, उनका पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सले। पैलेस ऑफ वर्सले इतना एक्सपेंसिव, उसका मेंटेनेंस उसकी बहुत ज्यादा होती थी, लग्जीरियस कोर्ट लाइफ थी उन लोगों की, अननेसेसरी वॉर उन्होंने लड़ी है। ठीक है, लुईस 16, उस टाइम के लुईस 14-15 जो थे किंग उन लोगों ने, सो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई और गवर्नमेंट ने लोन्स लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई, जब उनका बिल्कुल खाली हो गया बिल्कुल खजाना, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम टैक्स ले लेते हैं, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा फंसेगा कौन, पीजेंट ग्रुप ही फंसेगा। सो और पीजेंट्स में ऐसा नहीं था सिर्फ पीजेंट्स ही थे, यहाँ पे मिडिल क्लास के भी लोग थे, ठीक है, बिजनेसमैन वगैरह भी थे, ये सारे थे। ठीक है, नाउ फोर्थ रीजन हम कह सकते हैं कि फ्रांस के फार्मर्स को काफी एक्सप्लॉइट करते थे, कौन, नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट होते थे वहां के फार्मर्स, नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स हम कह सकते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस का जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका लार्ज शेयर वो रख लेते थे, गवर्नमेंट उन पे टैक्स लगा देती थी, उनके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के लिए मार्केट बिल्कुल ही खत्म थी, रेस्ट्रिक्टेड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे अगर मर्केंटलिस्ट की बात करें तो मर्केंटलिस्ट तो सिर्फ इंडस्ट्री के फेवर में था, इंडस्ट्रियल फेवर में था। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, रोक साथ दिया गया था, इग्नोर हम कह सकते हैं, इग्नोर भी कर दिया गया था। फिफ्थ अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी फ्रांस की वो भी काफी अनफेवरेबल थी, उनके उनके फेवर में नहीं थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। ब्रिटेन को तो ऑलरेडी ये रियलाइज हो गया था कि अगर हम सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स को ही डेवलप करते गए एट द एक्सपेंस ऑफ द एग्रीकल्चर तो ये सही नहीं है, तो इसी की देख हम देख फ्रांस ने भी अब अटेंशन अपनी डाइवर्ट कर दी थी, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सिस्टम पे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट अगर हम बात करें फोर्थ, अदर फोर्स वर्किंग फॉर द चेंजेस, सो पॉलिटिकल और मॉरल फिलोसफर्स जो थे उन्होंने एम्फसाइज किया, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी इंडिविजुअल की। ठीक है, इंडिविजुअल इंसान भी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक कंट्री में हो, सिर्फ वेल्थ ही वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके कहने का मतलब था मैन मस्ट बी द मेंबर ऑफ स्टडी, एक इंसान जो है उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, आप इतनी वेल्थ लेके जाओगे कहाँ, क्या करोगे इतनी वेल्थ का जब आपको इंसान की ही कदर नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स। सो फिजियोक्रेट सिस्टम में जितने भी सोशल फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब कनेक्टेड है, और इन्हें हम रिफॉर्मर्स भी कहते हैं फिजियोक्रेट्स को। अगर अब हम बात करें इसके क्रिटिकल एस्टीमेट की कि फिजियोक्रेसी में क्या क्या क्रिटिक्स है, अगर आपको उसको क्रिटिसाइज करना हो तो आप कैसे करेंगे। पहला, इन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रोडक्टिव माना, लेकिन उसी टाइम पे इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को अनप्रोडक्टिव माना, जबकि ऐसा तो नहीं है कि अगर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है तो ट्रेड और कॉमर्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ट्रेड और कॉमर्स भी तो इंपॉर्टेंट है। माना कि आप एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एकदम से ऐसा तो नहीं है कि आप इसे नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव मान रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग से यूटिलिटी क्रिएट नहीं होती, बिल्कुल होती है। सो इन्होंने लेबर्स को भी क्लासिफाई कर दिया प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव क्लास में, लेबर को भी बोल दिया कि अगर ये मटेरियल थिंग बना रहा है तो वो प्रोडक्टिव है, अगर वो सर्विसेज जैसा कुछ दे रहा है तो वो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
अगर हम बात करें फिजियोक्रेट्स की, तो इनका एम था एग्रीकल्चर को डेवलप करना, ठीक है। मतलब इनका कहना था कि लैंड जो है वो ही सोर्स ऑफ वेल्थ है, मींस लैंड इज द ओनली सोर्स ऑफ वेल्थ। लैंडलॉर्ड को भी टैक्सेस पे करना चाहिए, जो एग्रीकल्चर क्लास के बिल्कुल खिलाफ है। और वीकेस्ट पॉइंट क्या है इस थ्योरी में, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव में, वो इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है इस थ्योरी का। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि इसके अगर क्रिटिक्स हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि फिजियोक्रेट्स ने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी किए हैं हमारे इकोनॉमिक थॉट में। पहली बात, उन्होंने इकोनॉमिक को एक साइंटिफिक बेसिस दिया है, एक तरीका बताया है इकोनॉमी में, बोला है कि यहाँ पे जो ये साइकिल बनती है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंज्यूमर के पास जा रहा है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें फिजियोक्रेट्स ने बताया है। इन्होंने हमें इंपॉर्टेंस दी है एग्रीकल्चर की, जो हमें सरप्लस देता है आगे फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। हम और अपनी कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं। पहला स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट है जिसने एनालाइज किया है कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने अलग अलग क्लास की इंटरडिपेंडेंस को बताया है, स्टरलाइट क्लास है, एग्रीकल्चर क्लास है, इन सब की इंपॉर्टेंस को बताया है। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। और ये डायरेक्ट टैक्स को एडवोकेट करते हैं रादर देन इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर अब हम बात करें कि फिजियोक्रेट्स और मर्केंटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फिजियोक्रेट्स और मर्केंटलिज्म का डिफरेंस। सबसे पहले मर्केंटलिज्म की अगर हम बात करें, इधर लेते हैं हम मर्केंटलिज्म, इधर लेते हैं हम फिजियोक्रेट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मर्केंटलिज्म की बात करें, तो यहाँ पे ट्रेड ट्रेड वॉज अ सोर्स ऑफ वेल्थ। लेकिन यहाँ पे अगर हम फिजियोक्रेट्स की बात करें, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वॉज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है कि कंसेप्ट ऑफ सरप्लस बताओ, और बताओ कि इसमें फिजियोक्रेट्स का सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्या है और मर्केंटलिज्म का क्या है। तो आप इसे डिफाइन करो, और फिर आप इसका बताओ कि यहाँ पे मर्केंटलिज्म में ट्रेड बोला गया है कि सोर्स ऑफ वेल्थ है, लेकिन फिजियोक्रेट्स में एग्रीकल्चर बोला गया है सोर्स ऑफ वेल्थ है, ठीक है। मर्केंटलिज्म के क्या बोला कि जो वैल्यू है वो किस में लाई करेगी, वो लाई करेगी एक्सचेंज में। जब आप एक्सचेंज करोगे, जब आप ट्रेड करोगे, तो वो वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है जो वैल्यू है वो लाई करेगी किसमें, हमारी प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन होगी उसमें लाई करेगी, ठीक है। यहाँ मर्केंटलिज्म में बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए, और यहाँ पे बोला गया है फिजियोक्रेट्स में कि एग्रीकल्चर को एम्फसाइज करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, इन्होंने बोला है कि एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात नहीं की गई, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे डिफरेंस हम ले सकते हैं कि ये कंट्रोल और रेगुलेशन में बिलीव करते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेशन में ये बिलीव करते थे। बट जो हमारे फिजियोक्रेट्स हैं वो बिलीव करते हैं लेजर्स फ्री पॉलिसी में, कि जो है अपने आप मार्केट से चीजें सेट हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि एडम स्मिथ ने भी अपनी बुक में कहा। अब जो ये हमारे इकोनॉमिक थॉट हैं, वो स्टार्ट होते हैं हमारे मर्केंटलिज्म से, फिर जाते हैं हमारे फिजियोक्रेट्स पे, फिर उसके बाद आता है हमारा क्लासिकल थॉट, जिसमें एडम स्मिथ की बात की गई है, उनकी लेबर वैल्यू थ्योरी की बात की गई है, ठीक है। सो हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको खुद भी लिखना है तो उसमें से देख के आप लिख सकते हैं, और काफी अच्छा हेल्प करेंगे आपकी आंसर राइटिंग में। सो होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।